दोस्तों, आज की ये वीडियो यूक्रेन के बारे में। यूक्रेन एक यूरोपीय देश है और एक विकसनशील देश है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इसका स्थान 84वां है और यूरोप की दूसरी सबसे कम जीडीपी पर कैपिटा इसी देश की है। यूरोप में इस देश की आर्मी रशिया के बाद सबसे बड़ी आर्मी है। दोस्तों, यूक्रेन की ऑफिशियल भाषा यूक्रेनियन है और सबसे बड़ा शहर और राजधानी कीव है। दोस्तों, यहाँ पर यूक्रेनियन, रशियन और आदि बाकी लोग रहते हैं। इस देश को 16 जुलाई 1990 में सोवियत संघ से आज़ादी मिली थी। यूक्रेन का क्षेत्रफल 603,728 स्क्वायर किलोमीटर है और जनसंख्या 4.2 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुशांत गायकवाड़, आप देख रहे हैं रियल फैक्ट्स। तो चलिए जानते हैं यूक्रेन के बारे में कुछ अमेजिंग, कुछ नया। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे इंटरेस्टिंग नॉलेजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं यूक्रेन के बारे में कुछ अमेजिंग, कुछ नया। 1991 से पहले यूक्रेन देश सोवियत रशिया का एक राज्य था जो 1991 में USSR से अलग हुआ है। यूक्रेन क्षेत्रफल के आधार पर यूरोप का सबसे बड़ा देश है। यूक्रेन की राजधानी कीव की स्थापना 1600 साल से पहले हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर से बचने के लिए लाखों यहूदियों ने यूक्रेन में शरण ली थी। विश्व की सबसे भयानक परमाणु दुर्घटना यूक्रेन में ही हुई थी, जिसे चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना कहते हैं। देश की भाषा यूक्रेनियन है, लेकिन लोग रशियन भाषा को भली भांति जानते हैं। यूक्रेन की जनसंख्या 1990 में 5 करोड़ से भी ज़्यादा थी, जो अब सिर्फ 4 करोड़ के आसपास बची है। यूक्रेन की 70% आबादी शहर में रहती है और यूक्रेन की औसतन आयु 40.5 साल है। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई का खर्चा बहुत ही कम होता है। जहां भारत में औसतन 1 करोड़ रुपए लगते हैं, वही यूक्रेन में 25 लाख भारतीय रुपए में ही काम हो जाता है। दुनिया का सबसे गहराई में स्थित मेट्रो रेलवे स्टेशन यूक्रेन में ही है, जो कि जमीन से नीचे 105 मीटर में है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लेकिन यूक्रेन में दुनिया के विपरीत वेडिंग रिंग्स दाएं हाथ में पहनाते हैं। यूक्रेन का विवादित भाग क्रीमिया को रशिया ने 2014 में हत्या लिया है। यूक्रेन अपने पूर्वी ओर होने वाले सी ऑफ एजोव का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि रशिया इसे अपना हिस्सा मान लेता है और उसके जहाज को कब्जा कर लेता है। दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स यूक्रेन के बारे में। दोस्तों, यूक्रेन कंट्री बहुत बड़ी है, इसके सारे फैक्ट्स एक वीडियो में नहीं कवर हो पाएंगे। दोस्तों, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट में बता दीजिए कि आपको वीडियो क्यों अच्छी नहीं लगी। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत। We'll be right back.